सो गाइज, अब मैं इसकी साउंड सुनाऊंगी आपको कि कितना ज़्यादा क्रंची होता है ये। हमारा जो हमें नमकीन बनाया हुआ है वो कितना ज़्यादा क्रंची बनता है। तो अब मैं आपको साउंड सुना रही हूँ, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं। सो गाइज, देखिए कितना ज़्यादा क्रंची बना हुआ है हमारी जो हमने बनाया था नमकीन, वो कितना ज़्यादा क्रंची बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह से इसे बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। हाँ गाइस, मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। आप पोहा तो आप सबको पता ही होगा, ऑफ कोर्स आप सबको पता ही होगा कि पोहा क्या होता है। देख सकते हैं पोहा कुछ इस टाइप से होता है गाइस। इसे हम पोहा तो सारे लोग बनाते हैं गाइस, बट मैं कुछ अलग टाइप से कुछ हटके बना रही हूँ आज, क्योंकि हमने पोहा से नमकीन बनाऊंगी गाइस। मैं आज सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आज नमकीन बना के बताऊंगी आपको कितना ज़्यादा वो टेस्टी बनती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड मिर्ची पाउडर ली हुई है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले गाइस। एंड तो चलिए बना लेते हैं हमने पोहा, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बनती है गाइस। ये हमारी जो हमें नमकीन बनाया हुआ है झटपट से बन जाती है गाइस, तो चलिए बना लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई रख ली हुई है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है गाइस। तो देख सकते हैं कुछ छोटा चम्मच मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया हुआ है और झटपट से बन जाएगी गाइस हमारी जो हमने रेसिपी, ये हमारी नमकीन है ना, झटपट से बन जाएगी। सो देख सकते हैं हमारा तेल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद। सो गाइस, आप गैस की स्लो, गैस है ना आप कम पे ही रख के पकाएं, स्लो पे रख के पकाएं, हमारा तेल ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप मेक श्योर, आप ध्यान रखिए कि आपने अपने गैस कम आंच पे रख के पकाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा वो मिक्स करके उसमें पोहा ऐड कर दिया हुआ है गाइस। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बनती है गाइस। अब ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखें, पोहा तो बहुत जने लोग बनाते हैं। कुछ मैं आज कुछ हटके बनाई हूँ, कुछ अलग टाइप से बनाई हूँ गाइस। तो देख सकते हैं आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, ऑफकोर्स नमकीन के साथ चाय के साथ नमकीन समझ के ले सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया बनती है गाइस और बहुत ही क्रंची भी बनती है। आपके घर में पोहा रखा हुआ है तो प्लीज़ आप मेक श्योर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें एंड मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अच्छी थी या कैसी थी, आपको पसंद आई या नहीं। सो प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं तभी वीडियो डाल सकूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और सबसे पहले जाके आप वीडियो देख सकें। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से आपको जब तक थोड़ा देर तक पकाना है गाइस, जब तक थोड़ी क्रंची का साउंड ना आए, यानी कर कर जब आप हिलाएंगे तो थोड़ा क्रंची का साउंड आएगा, तब तक इसे आप पका लेना है गाइस। एंड पका लेने के बाद झटपट से बन जाएगी गाइस ये रेसिपी, आपको 4-5 मिनट में आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो आप जब साउंड आने लगेंगे कि क्रंची का, तब इसे हम प्लेट में काट लेंगे। तो हमारी रेसिपी डन हो गई है, हमारी नमकीन डन हो गई है, तो अब इसे हम प्लेट में काट लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लेट में काट लिया हुआ है गाइस एंड थोड़ा ऊपर से हम इसे चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी नमकीन थोड़ी चटपटी बनेगी, क्योंकि चटपटी अच्छी होती है नमकीन, खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी भी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला एंड थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। सो प्लीज़ 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 मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करा कीजिए प्लीज़ गाइस। मेक श्योर यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा मेरा शायद, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा ये, इस टाइप की रेसिपी पहले वीडियो होगी कि पोहे में आप नमकीन बना सकते हो। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रंची लग रहा है गाइस, अब ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखें। जो हमने ऊपर सा चाट मसाला आमचूर पाउडर, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो चलिएगा जिसकी मैं आप क्रंची का साउंड सुनाऊंगी, तो जो क्रंची है ना मैं इसका साउंड सुनाऊंगी आपको। सो प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो।